हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो हमारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसके मुख्य कारण एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है, नहीं तो जो हमारे लॉकडाउन के एफर्ट्स थे, जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के एफर्ट्स थे, उससे केसेस तो आ रहे थे लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम सब समझें कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं और इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते समय अगर कहीं पर भी एक भी फेलियर होती है तो हम लोगों को दोबारे से हम पीछे चले जाते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इससे संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत हमने स्टेट को सर्वेलेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ आइसोलेशन फैसिलिटीज, क्वारंटाइन, साइकोसोशियल केयर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे जितने भी संबंधित एरिया से ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि अब हम लॉकडाउन की स्थिति में है तो फील्ड लेवल पर वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए इन सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में ब्यौरा दिया है। साथ ही आईसीयू केयर और वेंटिलेटर मैनेजमेंट के ऊपर एम्स द्वारा कंटिन्यू ट्रेनिंग्स की जा रही हैं। कोविड 19 से संबंधित जो 11 एम्पावर्ड कमेटी उच्च स्थाई पर बनाई गई थी वे सभी रिक्वायर्ड अपना एक्शन ले रही हैं और मिनिस्ट्रीज, कंसर्न मिनिस्ट्रीज को अपनी गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही हैं। इसके साथ ही जैसे कि कल आप सबको बताया गया था, भारत सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रैक और ट्रेस से संबंधित एक नई एप्लीकेशन आरोग्य सेतु भी कल लॉन्च की थी। इस एक्ट के द्वारा आप अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर कभी भी आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते तो इस ऐप के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। मैं सबको सूचित करना चाहूंगा कि अब तक 30 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। यह ऐप हमारी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स के लिए एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि सबकी सेफ्टी से एक की सेफ्टी होगी और एक की सेफ्टी से सबको सेफ्टी प्रदान होगी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटरी मेजर्स को मेंटेन करने के अपने प्रयासों के तहत जो उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है ईनैम, दैट इज ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत 16 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में जो 585 मंडियां हैं उनके अलावा और अतिरिक्त 415 मंडियों को भी जोड़े जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत जो किसान मंडियों में जाने की बजाय वह फिजिकली बिना प्रेजेंट हुए अपनी हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, अपनी फसल को बेच सकते हैं, मोबाइल बेस्ड टाइमली पेमेंट से डी कंजेशन को कम करने में और हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन में भी इससे फैसिलिटेशन होगा। साथ ही डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल, पैरामेडिकल और हमारे स्टाफ को सपोर्ट देने के तहत उन्होंने एक बायोसूट विद सीमलेस ग्लू डेवलप किया है जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। मैं आपको इसके द्वारा यह अवगत कराना चाहता हूं कि नॉट ओनली DRDO, जितने भी हमारे देश के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो हर तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च में जुड़े हैं, जिसके द्वारा कि हम कोविड 19 के मैनेजमेंट के अपने प्रयासों में हर तरीके से सफल हो सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों के कार्य में बाधा ना उत्पन्न होने दें। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा कर्मी किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और अवांछित व्यवहार पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना के योद्धा अपनी निरंतर और निष्ठापूर्वक सेवा के द्वारा कोरोना को नियंत्रण करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी अवगत किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके किए हुए प्रयत्नों की तारीफ की थी, उनको प्रोत्साहन किया था। उन्होंने कहा है कि इन कोरोना योद्धाओं के परिश्रमों के कारण ही आज देश में 157 हमारे जो कोरोना रोगी हैं वो स्वस्थ हुए हैं। इनके कठिन परिस्थिति में काम करने के समय में, गंभीर चुनौतियों के समय काम करने के समय में हमें इनको हर तरह का प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
इस चीज के लिए भी उन्होंने अपील की है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह देश को संबोधित करते हुए कहा है कि संकट के इस अनिश्चित समय में भारत ने अभूतपूर्व अनुशासन और सामूहिक भावना दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि 130 करोड़ भारतीय नागरिकों की सामूहिक शक्ति हर एक में है, हमें प्रकाश और आशा की ओर प्रगति करके कोरोना संकट से फैले अंधेरे और अनिश्चितता को समाप्त करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों की बालकनी, छत से दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश आदि कुछ भी जलाकर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का आह्वान किया है। इसके साथ ही आज माननीय राष्ट्रपति जी ने और उपराष्ट्रपति जी ने भी सभी स्टेट्स के गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, जिसका उद्देश्य स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तैयारी की परिस्थिति के बारे में जानना, कमजोर वर्गों के ऊपर मुख्य फोकस करते हुए उनकी हर तरह की जो सहूलियत है उनके ऊपर ध्यान देना, साथ ही रेडक्रॉस और जो हमारे एनजीओज हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इन्वॉल्व कर इस लड़ाई से हमें आगे निकलना है, इसके बारे में उन्होंने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर से बात की है। हम सबको समझना चाहिए कि अगर हम लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करेंगे, पूर्णतः अवेयरनेस के साथ सभी तरीकों से हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंट हाइजीन पर फोकस करेंगे, तो हम हर तरह से संभव है कि हम कोरोना के इस बीमारी से, इस महामारी से मुक्ति पा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। होम मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबको अपडेट करना चाहूंगी। स्टेट गवर्नमेंट्स में लॉकडाउन का एनफोर्समेंट इफेक्टिवली चल रहा है। जैसा मेरे कलीग ने बताया, कुछ स्थानों पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सिक्योरिटी से संबंधित इंसिडेंट्स हुए हैं। इस संदर्भ में एमएचए ने राज्य सरकारों को पत्र द्वारा और मीटिंग्स में कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले और हमारी जो मेडिकल फ्रैटर्निटी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। होम सेक्रेटरी ने कल पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरीज को इससे भी अवगत कराया, फिर से अवगत कराया है कि आज से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत जो डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स होना है उसके लिए सुचारू व्यवस्था करें। लोगों को स्टैगर्ड टाइम्स पे बुलाएं जिससे कि क्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बैंक ब्रांचेस में पर्याप्त सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करें। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस फील्ड लेवल तक जाएं जिससे कि हम इंश्योर करें कि डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स स्मूथली हो सके और हर एक लाभार्थी को जो उसका बेनिफिट है मिल सके। जैसा आप सबने पढ़ा होगा, तबलीग जमात वर्कर्स के संदर्भ में गृह मंत्रालय ने 960 फॉरेनर्स जो इंडिया टूरिस्ट वीजा पर आए थे और अभी देश में हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लगभग 360 फॉरेनर्स जिन्होंने तबलीग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था पर अब अपने देश वापस जा चुके हैं, उनके भी खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सभी डीजीपीज और कमिश्नर पुलिस को बोला गया है कि वीजा वायोलेटर्स के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। मैं आपको एमएचए कंट्रोल रूम के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहूंगी। अभी तक हमारे कंट्रोल रूम में 7 हेल्पलाइंस उपलब्ध थी, इनमें बढ़ोतरी की गई है। अब 2 नई हेल्पलाइंस इंट्रोड्यूस की गई हैं, 1930 जो हमारा ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर है और 1944 जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हेल्पलाइन है। स्टेट्स और यूटीज के भी हेल्पलाइन नंबर्स हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लोग उनको कॉल करके डायरेक्ट मदद भी ले सकते हैं। पिछले 9-10 दिनों में हम स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर कई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स और माइग्रेंट वर्कर्स की समस्याओं के निदान में कार्यरत हैं। आशा है कि इस सुविधा से सबको आशा है ये सुविधाएं सबको उपयोगी साबित होंगी। धन्यवाद। नाउ डॉक्टर मनोज फ्रॉम आईसीएमआर। नमस्कार। आईसीएमआर की ओर से मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि करेंटली देर आर 182 लैब्स इन द कंट्री विच आर प्रोवाइडिंग डायग्नोसिस टू कोविड एंड दैट इंक्लूड्स 130 लैब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड 52 लैब्स इन द प्राइवेट सेक्टर। कल लगभग 8000 सैंपल्स टेस्ट किए गए
and this was the highest number of samples that were tested till date. Cumulatively, lagbhag 66,000 samples have been tested till date. Thank you. सबसे पहले गृह मंत्रालय के लिए एक ऑनलाइन क्वेश्चन है. ये जो 960 लोग ब्लैकलिस्ट हुए हैं तबलीग जमात के, क्या ये वर्कर जो है डिपोर्ट करे जाएंगे ओनली आफ्टर दे आर टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड और दे कैन बी सेंट इमीडिएटली? जैसे मैंने कहा कि जो ये 960 फॉरेन नेशनल्स हैं जो ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, उनके खिलाफ हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई इनिशिएट कर रहे हैं. देयरफॉर एट दिस स्टेज डेपुटेशन का सवाल नहीं है, पर एज एंड व्हेन डेपुटेशन होगा वो स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए होगा. मिस्टर जितेंद्र कुमार यूनिवार्ता, प्लीज यूज माइक. हेलो, जितने भी अब तक मरीज आए हैं सर, उनमें 50 से नीचे कितने परसेंट हैं टोटल? सर, मेरे पास ये डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, कि हमारे पास ये डिटेल्स वैसे हैं अवेलेबल, बट मैं अभी लेकर नहीं आया हूं, मैं आपको दे सकता हूं. मिस पॉलमी साहा, इंडिया टुडे. Sir, ICMR was to take a decision today on antibody rapid tests. Has a decision been taken and will that suffice or an RT-PCR test will also have to be done to confirm COVID? Yeah. Yesterday we had a meeting to discuss and finalize the guidelines for using rapid diagnostic tests, and we hope that by tomorrow we will be able to release these guidelines. The primary purpose of these guidelines will be this discussion was how to deploy this test in high risk areas, in low risk areas, hotspot areas and non-hotspot areas. So kal tak we will be releasing these guidelines. Thank you. Ek online question hai. How many deaths so far of those people who are linked to Tablighi Jamaat? Do we have any numbers so far about the death? देखिए, अभी जो हमने डेथ जो रिपोर्ट हुई है, मैंने जैसे आपको बताया है कि कल से अगर आज तक में देखें तो टोटल 12 एडिशनल डेथ रिपोर्ट हुई हैं. उसमें से कुछ डेथ तबलीगी जमात से रिलेटेड हैं, बट इन टर्म्स ऑफ की एग्जैक्ट तबलीगी जमात से रिलेटेड कितनी है ये अभी हम लोग नहीं लाए हैं, बट यस, देर आर डेथ रिलेटेड विद दैट ऑल्सो. लास्ट क्वेश्चन, कुमार कुंदन, TV9 भारत. हो रहे हैं उनमें क्या टेस्टिंग को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है? क्या जोन वाइज उसको कुछ किया जा रहा है, रेड जोन, व्हाइट जोन, ग्रीन जोन, इस टाइप से कुछ किया जा रहा है? टेस्टिंग में देखिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर सैंपलिंग गाइडलाइंस होती हैं. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अलोन के लिए अगर हम अननेसेसरी टेस्ट करें, एंड दैट टू व्हेन टेस्टिंग किट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी ऑलवेज लिमिटेड, माइट नॉट बी द राइट स्ट्रैटेजी. तो उन गाइडलाइंस के तहत हम जो भी हमारे पर्टिकुलर एरियाज है जिनको हम सो कॉल्ड हॉटस्पॉट्स मानते हैं या जहां पर हमारे ज्यादा केसेस आए हैं, वहां पर हम सैंपलिंग कर रहे हैं. इसके साथ ही जैसे आपको बताया था, सारी और ILI, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से रिलेटेड टेस्टिंग भी हम उस एरिया में करेंगे. अगर हमें नीड लगेगी तो हम सैंपलिंग क्राइटेरिया को रिवाइज करेंगे, बट अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ है. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. सुन रहे थे कि इस वक्त जो अपडेट्स हैं वो साझा किए जा रहे हैं देश के साथ, और हर रोज ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हर रोज देश के सामने इस तरह से आकर हर अपडेट, ताकि अफवाहों को सहारा ना मिले, अफवाहों से दूर रह सके आम जनता. इसलिए भी ये बहुत जरूरी है कि हर रोज इस तरह से अपडेट्स आम लोगों तक पहुंचते रहे. कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आप अफवाहों से दूर रहें, डरे नहीं लेकिन भरपूर सहयोग करें, सरकारी आदेशों का पालन करें, सरकारी निर्देशों का पालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार.